हाय दोस्त, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब दोस्त। मेरा नाम पीयूष और आप देख रहे हैं ब्लॉगची यूट्यूब चैनल। दोस्त अभी मैं चल दिया स्वाति के लिए दातुन लाने। तो अभी मैं दातुन के लिए खोज निकल पड़ा हूँ, देख सकते हैं। अभी मैं फिलहाल मैं रोड पर हूँ और ये रहा बाइक, जहाँ हमको दातुन दिखे वहाँ मैं लूँगा। और यहाँ एक्चुअली एक बात है कि यहाँ पर लोग दातुन बेचता उचता नहीं है, आपको पेड़ में तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इतना यहाँ पे पेड़ है ना कि लोग दातुन नहीं बेचेगा। बहुत सारा पेड़ है, अगल बगल पेड़े पेड़ है रोड पर, देख सकते हैं दोस्त। स्वाति के लिए मैंने दातुन तोड़ लिया हूँ, नीम का दातुन है। अरे यार बड़ी भार है दातुन तोड़ने में, लोग बेचता है तो 1 रुपये में 4 गो चाहे 3 गो लोग खरीद लेते हैं। अभी हम आ चुके हैं रोड पर, देख सकते हैं। और अभी दोस्त मैं आ चुका हूँ घर पर, ये रहा बाइक और ये रहा दातुन, और स्वाति के लिए जा रहा हूँ दातुन लेकर। और देखते हैं स्वाति क्या कर रही है, क्या खाना बना रही है। स्वाति क्या कर रही हो? स्वाति स्वाति इधर देखो, क्या कर रही हो? देख सकते हैं स्वाति खाना बना रही है। इधर देखो बाबू, लो दातुन लाती है, मुंह धो लो और हम ही मुंह धो ले रहे हैं ना। धोइए, खाना बना भी है तो मुंह धो। अभी मैं छत पर आ चुका हूँ, ब्रश कर रहा हूँ। मैं डेली हर रोज़ जब भी मैं ब्रश करता हूँ तो अधिकांश दिन छत पर ही ब्रश करता हूँ। अच्छा लगता है, टहलता हूँ, घूमता हूँ, और प्लस में वीडियो एडिटिंग भी करना है। वीडियो एडिटिंग नहीं यार, ये अपलोड करना है यूट्यूब चैनल पर। तो क्या होता है ना कि यहाँ पर नेट नहीं चलता है, नीचे नेट नहीं चलता है। मैं 3 फ्लोर पर हूँ, 3 पर हूँ, छत पर हूँ, तो यहाँ पर नेट स्पीड बढ़िया देता है, छत पर स्पीड बढ़िया देता है, मतलब 1.5 MB 2 MB तक स्पीड दे देता है। अधिकांश मैं VI सिम का यूज़ करता हूँ, बाकी मैं एक एयरटेल का भी सिम रखा हूँ। तो VI सिम स्पीड बढ़िया देता है ऊपर। और नीचे के बात कहें, जिससे जैसे हम ग्राउंड फ्लोर पर हम दोनों लोग रहते हैं, मैं और स्वाति, तो ग्राउंड फ्लोर पर स्पीड ही नहीं देता है, मतलब 100 KB लास्ट। तो अभी मैं फिलहाल में मुँह धो रहा हूँ और नीचे जा रहा हूँ, तो देख रहा हूँ मुँह धोने के बाद कि स्वाति क्या खाना बना रही है। अभी मुँह धोकर रेडी हो गया हूँ दोस्त, और मैगी और रोटी और सॉस खा रहा हूँ, देख सकते हैं। स्वाति मैगी बनाइए, रोटी बनाइए, 3 रोटी है और ये सॉस है, मैं खाता हूँ। दोस्तों हम लोग खाना उना तो खा लिए, अब हम लोग निकल रहे हैं मार्केट में। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? जा रहे हैं बेड लेना है एक चौकी। हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, जा रहे हैं, देख रहे हैं चौकी आज ले लेंगे। ठंडा काफ़ी पड़ रहा है, ज़रूरत है उसका, वरना तबीयत भी खराब हो सकता है जमीन पे सोने से। तो अब हम लोग निकल रहे हैं बाइक से, देख सकते हैं। हेलमेट मेरा छूट गया है, वो गोलगप्पा जहाँ खा रहे थे। गोलगप्पा क्या हो? छोले चावल। छोला चावल जहाँ खा रहे थे कल, उसी छोले के हम ऊपर रख दिया है, और वहीं छोले के ऊपर रख दिए थे, भूल गए, तो वो तो अपने घर लेके चले गए हैं। बोले हैं कि हम दे देंगे बाद में, जाना पड़ेगा उनके घर लेने के लिए। फिलहाल हेलमेट तो नहीं लगाए हैं ये दोस्तों। अभी हम लोग रास्ते में रुके हुए हैं, खाना उना तो हम लोग खा के आए हैं, लेकिन ये समोसा गए हैं लाने के लिए। यहाँ मार के सोचे कि समोसा ले लेते हैं खाने के लिए, मन कर रहा था तो गए हैं लाने, देख सकते हैं। चटनी हम नहीं लिया है, ठीक है, हम नहीं खाते हैं। हम लोग निकल रहे हैं दोस्तों, देख सकते हैं हम लोग बाइक पर जा रहे हैं, और ये देखिए हम समोसा भी खा रहे हैं। दोस्तों हम लोग आ गए हैं चौकी के दुकान पे, देख सकते हैं लेने वाले हैं, यहीं से चौकी लेंगे हम लोग, यहीं पर लेंगे, 6x4 का चौकी लेना है। और दोस्तों हम लोग चौकी पसंद कर रहे हैं और ले भी लिए हैं, देख सकते हैं ये है हमारा चौकी। ये हम चौकी लिए हैं 2250 रुपये का, और यहाँ से हमारे रूम पर जाने का दूरी का अगर बात करें तो 3 किलोमीटर है, और 250 रुपये किराया है। लोग लिए हैं ठेला वाला का। दोस्त ये अभी जा रहे हैं, देख सकते हैं चौकी को लेकर जा रहे हैं, तो हम लोग बाइक से जाएंगे पीछे पीछे। तो भाई आ चुके हैं जिनको मैंने दिया था लाने के लिए चौकी, तो जा रहे हैं, उनको वो फोन किए हैं, तो वहाँ पर हैं, देख सकते हैं उस सामने है उधर। तू कहाँ जटवा पर हले होता तो हमें नहीं परेशानी हो लो। अरे महाराज राउर फोन मतलब दूसरा के फोन से वो लगा होता, लगा होती ना, हमरे बैलेंस रह रहा ना, लिखल बात दक्षिणी तो चल रही पश्चिमी पका था। देख सकते हैं दोस्त ये लेकर आ चुके हैं, ये देखिए फिर करवा दो ना दोस्तों। चौकी तो हमारा आ गया, घर में रख भी दिए, देख सकते हैं हम दे रहे हैं उनको पानी पीने के लिए, हलवा बनाए थे तो यहाँ पे ये है। काम पकड़ लेला काम काम, अभी बात पहले बने को पहले डिलीवरी बॉय के काम करते रहने। अच्छा तो अब फिर वो काम पकड़ ले बड़की गाड़ी के ना, डिलीवरी बॉय ना मोटरसाइकिल आप ले जाला सा ना। अच्छा सामान फ्लिपकार्ट अमेजन वाला,
वो पहले करते रहने, अब छोड़ दे बानी, फिर अब दूसरा काम के तलाश में बानी। ये देखिए चौकी हमारा लग चुका है, तो हम जा रहे हैं बेड को सेट करने। चलिए हम बेड सेट कर लेते हैं, उससे पहले मुझे चौकी साफ करना होगा। दोस्तों हमारा चौकी तो आ गया, उसको हम लोग रख भी दिए, अब हम लोग निकल रहे हैं, हॉस्पिटल भी जाना है। आज बोले थे रिपोर्ट देने के लिए, तो जा रहे हैं हम लोग रिपोर्ट लेने। आज ही का डेट दिए थे, तो हम लोग अब निकल रहे हैं हॉस्पिटल में। आज इसका सारा रिपोर्ट मिल जाएगा, तो आज हम लोग डॉक्टर से रिपोर्ट देखा कर उसका परिणाम भी ले लेंगे, कि मतलब क्या क्या दवा लिख रहे हैं, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। दोस्तों हम लोग चल दिए पीएचसी की तरफ, देख सकते हैं ये बाइक चला रहे हैं। दोस्तों देख सकते हैं हम लोग पीएचसी में एंट्री करने वाले हैं। दोस्तों हम लोग बाइक वाइक तो लगा दिए हैं, अब हम लोग निकल रहे हैं मेडिकल कॉलेज में रिपोर्ट लेने के लिए। देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग बाइक लगाए हैं, लोग अब अंदर जा रहे हैं। आज देखते हैं लोग क्या बता रहे हैं, टाइम क्या दे रहे हैं। देख सकते हैं ये है मेडिकल कॉलेज, इसी के अंदर हम लोग को जाना है। दोस्तों जो रिपोर्ट देने वाले हैं वो बोल रहे हैं कि आधा घंटा आप इंतजार करिए। अगर अभी समय की बात कहा जाए तो दोस्त 11:20 हो रही है, और ये रही स्वाति, और समझ सकते हैं हम लोग का रिपोर्ट वहाँ पर लेना है। देख सकते हैं, तो आधा घंटा इंतजार करते हैं और फिर एक रिपोर्ट 1:30 हम लोग को लेना है। दोस्तों हमें रिपोर्ट तो सारी मिल चुकी है, देख सकते हैं, तो हम लोग जा रहे हैं चेकअप के लिए। रिपोर्ट आ गया, डॉक्टर को भी दिखा देते हैं, देख सकते हैं। और अगर बात करूँ तो पूरा रिपोर्ट कितना आया स्वाति? 5-6 रिपोर्ट है, मतलब समझ सकते हैं 5-6 रिपोर्ट है। और अभी हम दोनों लोग चल दिए, जो डॉक्टर लिखी थी रिपोर्ट, अब उसी को सब रिपोर्ट लेकर उसी को दिखाएंगे उन्हीं को, तो देखते हैं वो क्या बोलती है। दोस्तों हम दोनों लोग मेडिकल कॉलेज से रिपोर्ट लेकर, और पहले का रिपोर्ट और आज का जितना रिपोर्ट लिए हैं दोनों ले लिए हैं, लगभग 5-6 रिपोर्ट हो चुका है। और हम दोनों लोग अभी चल दिए पुराने बिल्डिंग में, जहाँ वो मैडम लिखी है रिपोर्ट, उनको दिखाने। देख सकते हैं उधर है, ये दिखा के नंबर लगाए थे वहीं, फिर यही पर चले जाना होगा ना। हाँ दोस्तों हम लोग अभी पहुंच गए हैं MCH बिल्डिंग में, जिसमें हम लोगों को डॉक्टर हम लोगों को जो लिखी है, तो अभी हम लोग आ चुके हैं उसी में, देख सकते हैं। तो हम लोग पहुंच चुके हैं, अब जा रहे हैं बैठेंगे और लाइन लगाएंगे। दोस्तों हम लोग आए थे MCH में अपना रिपोर्ट दिखाने के लिए, तो डॉक्टर तो आज नहीं बैठी है, आज गुरुवार है, उस शुक्रवार को बैठती है। ये सिर्फ हफ्ते में एक दिन बैठते हैं शुक्रवार को, तो कल आएंगे शुक्रवार के दिन, उस दिन डॉक्टर बैठेंगी, तो उस दिन हम अपना रिपोर्ट दिखाएंगे। फिलहाल हम लोग घर के लिए निकल रहे हैं, अब शुक्रवार को आएंगे, कल आएंगे हम दोनों लोग फिर दिखाने, और फिर उसके बाद पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है और क्या दिक्कत है, तब उसके हिसाब से लोग दवा लिखेंगे और आप लोगों को भी हम लोग बताएंगे। दोस्तों हम लोग घर फाइनली पहुंच चुके हैं, खाना तो हमने ही बनाया, क्योंकि आते टाइम हम लोग रास्ते से ही लिट्टी चोखा पैक करा के लेके आए थे, क्योंकि पूरे दिन हॉस्पिटल में थे तो थक गए थे, मन नहीं कर रहा था खाना बनाने के लिए, इसीलिए हम लिट्टी पैक करा के ला लिए कि घर पे ही वही खा लेंगे, वही खा के सो जाएंगे। दोस्तों हम लोग खाना उना तो खा लिए हैं, अब जा रहे हैं सोने। तो दोस्तों यही रही आज की वीडियो, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।